Hi everyone. Hello. A very, very good evening. Good evening, good afternoon to all of you. Am I clearly audible and visible? फाइनली हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड पार्ट को कम्प्लीट करने वाले हैं ये ऐसा पोर्शन है मतलब आई कन से कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट टू ऐसा पार्ट टू है कि पिछले दस सालों में पार्ट टू में से सत्रह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मतलब आई कन से कि अगर हम प्रॉबिलिटी भी लेके चले तो जो नेक्स्ट के तीन दिन तक क्लासेज होंगी जैसे कि आज जो तीन पंद तीन बजे क्लास है सेल्स एंड खिर ऑफ लॉ के ऊपर फिर कल जो तीन बजे क्लास है इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर फिर परसों जो तीन बजे क्लास है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इन टॉपिक के ऊपर कलेक्टिवली पिछले दस सालों में सत्रह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मतलब तुम लोग एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि यहाँ से दो क्वेश्चन आ जाए ठीक है तो हम लोग वैसे टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है इस चैनल के ऊपर नया है माई नेम इज तमन्ना चौधरी आई एम अ फिजिक्स एडुकेटर ऑन एन अकेडमी फॉर नीट यू जी आई वेलकम

मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूँ कि हम लोग सेल्स एंड खिरफ लॉ इस तरीके से करेंगे दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सम वेरी डिटेल नोट्स सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स इफ़ यू आर ए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इर्स पैरेंट एंड वॉन्ट टू कम्पलीट करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी की पूरी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिल्कुल बिंदास है ना उस प्लेलिस्ट की हेल्प से अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को निपटा सकते हो तो मैं ये बोल रही थी कि क्लास के दौरान ठीक है हम लोग नोट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे फिर हम लोग बच्चों क्लास के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे फिर एक बार जरा सा देखेंगे एन में इस टॉपिक के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है जिसके बारे में हम हमें पता होना चाहिए और अल्टीमेटली हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर पी वाई के करने वाले हैं तो आई कैन से कि आपकी ये एक क्लास है जिसके अंदर हम कवर भी करेंगे जिसमें एनसीआर टी भी इंक्लूडेड है जिसमें पी वाई के भी इंक्लूडेड है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना ऑब्वियसली बात है जो फिज़िक्स की क्लास है वो अधूरी है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन के बिना मेरी क्लास अधूरी है ओके सो आई एम होपिंग जितने भी बच्चे यहां पर प्रेजेंट है दो बच्चे प्रेजेंट हो या दो हजार बच्चे प्रेजेंट हो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास एंड नाउ आई विल लाइक टू बिगिन विद द क्लास बस मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी बिफोर आई बिगिन अगर मानो आपको uh, मुझसे डिटेलिंग में पढ़ना हो आप क्लास ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के एस्पायरेंट हो अभी बस देख रहे हो या ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के एस्पायरेंट हो अगर आप मेरे डिटेल बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कहीं यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है वो कहीं आने डमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए पे अवे, अवेलेबल नहीं है सिर्फ एक जगह अवेलेबल है विच इजेडमी प्लस सो दूर सिंगल स्टॉप इनकेस यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम मी फ्रॉम माई डिटेल्ड बैचेस अब यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है यही है कि एक बार जब आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना तो जितने भी एडुकेटर्स है उन सबकी क्लासेज उन सबके कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं तो लाइक इट इज नॉट लाइक इट इज माई सब्सक्रिप्शन इट इज नॉट अ सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन इट इज दब्सक्रिप्शन ऑफ अ प्लेटफॉर्म सो यू कैन बाई

एक और आधे घंटे की क्लास लेंगे आराम से बैठेंगे और इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेलिंग में कंप्लीट करेंगे ठीक है तो हमारा आज का टॉपिक क्या है सेल्स और सबसे पहले सेल के कम्बिनेशन करने हैं हम लोगों ने सेल को फोर्थ क्लास में भी उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन फिर हमारी स्ट्रीम बीच में एंड हो गई थी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से है ना सो आई एम ग्लैड कि इंटरनल रिजिस्टेंस उन सब के बारे में हमें इस तरीके से बात नहीं नहीं करनी है जो हम लोगों ने डिस्कशन क्लास फोर में किया था ठीक है शुरू करते हुए बच्चों तो मेरे पास एक नया टॉपिक अब शुरू होता हुआ विच इज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स ठीक है तो नया टॉपिक शुरू होता विच इज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स कम्बिनेशन ऑफ सेल्स ठीक है आप चाहो तो क्लास के दौरान नोट्स भी बना सकते हो और अगर तुम तुम लोग ऐसे ही क्लास अटेंड करना चाहते हो बी माई गेस्ट एज वेल तो हम लोगों ने देखा कि यार दो तरीके के सेल होते हैं ठीक है डिस्कशन कर लेते हैं एक मेरे पास सेल वो हुआ जिसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो बिकॉज इसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो मानो अगर मैं बोलूं कि इसके ईएमएफ की वैल्यू ई e है तो वो क्या करेगा अपने अंदर किसी भी तरीके का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं क्रिएट करेगा जितना भी उसके अंदर शर्मता होगी पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने की विच इज ई एम एफ ऑफ द सेल वो क्या करेगा एक्सटर्नली उतना ही ड्रॉप क्रिएट कर देगा है ना एक बार जरा सा देख लीजिए लेकिन हम लोग यहाँ पर आइडियल सेल्स के बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे अब हम लोग जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर जाएंगे ना वील बी टॉकिंग अबाउट दी नॉन आइडियल सेल्स की मानो मेरे पास इस तरीके से ये एक सेल है तो अभी इस सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन जीरो हो गया तो ये वाले केस में मैं बोल सकती हूँ कि मान लो अगर सेल के ई की, की वैल्यू ई है मतलब सेल के क्षमता पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बिटवीन वन पॉइंट एंड अदर पॉइंट इफ दैट इज इक्वल टू ई तो ऑब्वियसली बात है उसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप वो अपने अंदर क्रिएट करेगा विच इज कितना करंट फ्लो किया मान लो अगर यहाँ से आई करंट फ्लो किया हो और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर हो तो अपने अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा आई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर और जो बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप है वो एक्सटर्नली क्रिएट कर देगा विच इज टोटल श्रमता माइनस कितना पोटेंशियल ड्रॉप उसने अपने अंदर ही क्रिएट कर लिया है ना मैं तुम लोगों को अभी बस एक हेड्सअप दे रही हूँ कि लेटस टॉक अबाउट दीज थिंग्स ताकि कॉम्बिनेशन में हम लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए तो अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक आइडियल सेल के बारे में बात की है और नॉन आइडियल सेल के बारे में बात की है इससे बड़ा मोटिव मेरा कुछ नहीं था ना मेरा मोटिव ये है कि आइडियल सेल और नॉन आइडियल सेल के मतलब को समझते हैं नहीं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको एक और बार मैंने तुम लोगों को करवाया है तो यहाँ पर आ गया मेरे पास आइडियल सेल और यहाँ पर बच्चों आ गया मेरे पास नॉन आइडियल सेल मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं ना अभी जो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे उसमें हम लोग नॉन आइडियल सेल लेंगे जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो टॉपिक है मेरे पास कम्बिनेशन ऑफ सेल्स मानो सबसे पहले अगर मैं सीरीज कम्बिनेशन की बात करूँ तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों आई प्रोमिस यू ठीक है मानो अगर मैं सीरीज कंबिनेशन की बात करूं तो देखो मेरे पास एक रेजिस्ट मेरे पास एक सेल आ गया ये मेरे पास एक सेल आ गया ये ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास बच्चों एक सेल आ गया ये और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है पहले हम लोग सेल करेंगे मतलब सेल और उसके कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर बाद में हम लोग के ऊपर चलेंगे खूब सारे मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो मानो मेरे पास दो सेल थे इसके एफ की वैल्यू इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ये मेरा दूसरा सेल है ई की वैल्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर अब मैंने क्या किया ना बच्चों इसको एक एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया मानो ये एक्सटर्नल सर्किट है और इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल आर है ना Whatsoever यार जब तक एक कॉम्बिनेशन में सेल है फ्लो तो करेगा ना बच्चों तुम, तो यह बच्चो, तो तुम समझो ना कैन आई नॉट से अगर मैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मूव करूं कि मानो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ अपना मोशन यहां से शुरू करती हूँ ये वाले पॉइंट से करंट आया है ना तो आई कैन से कि यहाँ पर जो नेट ई एम एफ जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसकी वैल्यू कितनी ई वन प्लस ई टू अब मानो कोई बच्चा सोचे कि दी आपको कैसे पता ई वन प्लस ई टू क्योंकि सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना जो पहले वाला सेल है वो बोल रहा है यार ऐसा करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को इस डायरेक्शन में क्रिएट करते हैं दूसरे वाला सेल भी बोल रहा है कि हाँ यार ऐसा करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को इस डायरेक्शन में माने इस डायरेक्शन में क्रिएट कर दें सर्किट में मतलब ये सेल बोल रहा है लेटेस्ट क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दिस ये भी बोल रहा है लेटेस्ट क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दिस तो मानो जैसे अगर मैं नीट अलकायी की बात करूँ तो अब तो बायो एडुकेटर्स आ गए वरना पहले सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स एडुकेटर हुआ करते थे तो फिजिक्स एडुकेटर का भी सेम मोटिव uh, था कि यार जितना हेल्प हो सके बच्चों की उतनी हेल्प करें केमिस्ट्री एडुकेटर का भी सेम रोल होता था तो वो हो हो गया आपके मार्क्स में तो यहां पर बिल्कुल सेम चीज़ रही है एक सेल है वो बोल रहा है, है। तो पोटेंशियल पूरे पूरे ड्रॉप या फिर जिस की से हो रहा है, E2, है ना? मानो बच्चों अगर मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज ले आऊं कि आपकी बार में यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लिखूं और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लिखूं देखो दोनों अलग अलग है पहले ये वाला केस था अब ये वाला केस है जिन बच्चों को डिस्टिंक्शन नहीं दिखा अपनी आंखें खोलिए ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है है ना और ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है अब ये वाले केस में देखो अब की बार ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल ऐसे हैं और अब ये कनेक्टेड है तो पहले वाला सेल बोल रहा है कि हम ऐसा करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को इस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे दूसरे वाला बोल रहा है नहीं पोटेंशियल डिफरेंस को इस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे अब मानो अगर दोनों सेम ईएमएफ के हो जाए तो नेट ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी सोचो ये सेल बोल रहा है कि चार वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे आना चाहिए फिर, लेकिन फिर ये सेल बोल रहा है चार वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे आना चाहिए तो आई कैन से सर्किट में कोई पोटेंशियल ड्रॉप आया ही नहीं मानते हो ना अगर मानो तुम फिजिक्स में चार मार्क्स ज्यादा ले अपने पिछले टेस्ट से लेकिन केमिस्ट्री में चार मार्क्स कम ले आओ तो तुम्हारे मार्क्स में किसी भी तरीके का इंक्रीज नहीं आया है ना बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर हो रही है ठीक है तो आई कैन से ई के तो मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये बनाई हुई है इसका मतलब कौन सा सेल जीता ये वाला सेल जीत गया हाउ डू आई नो दिस क्योंकि इसकी डायरेक्शन में फेवर हो रहा है करंट सो आई कैन से कि यहाँ पर E1 वन इज ग्रेटर देन ई तो बच्चों अब अगर मानो मुझे यहाँ पर नेट ईएमएफ की वैल्यू लिखनी हो ना तो अब यहाँ पर नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी बनेगी ई वन माइनस ई टू तो ये तो अभी मैंने नेट ई एम एफ लिखना सीखा है सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम देखो हम ऐसे कुछ बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हैं वी आर यूजिंग वी इज इक्वल टू आई आर दैट वी ऑलरेडी हैव द नॉलेज ऑफ एंड देन वी आर अप्लाइंग दिस ऑलरेडी नोन नॉलेज टू गेट टू न्यू कंक्लूजन है ना तो ये मेरे पास नेट ई एम एफ की वैल्यू आ गई अब उसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस नेट ई एम एफ की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बिल्कुल आएगा तो देखो एक आई का करंट कैपिटल आर के अक्रॉस फ्लो किया फिर आई का करंट स्मॉल आर टू के अक्रॉस फ्लो किया फिर आई का करंट स्मॉल आर वन के अक्रॉस फ्लो किया तो ये वाली वैल्यू आ गई करंट को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई कैपिटल आई मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मेरे पास यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों ऐसे है एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे है दोनों सीरीज में हैं तो ऑब्वियस ही बात है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई आर वन प्लस आर टू सो मैंने क्या नया सिखाया तुम्हें ऐसा तुम लोगों ने अभी क्या इंपॉर्टेंट या फिर नया कंसेप्ट सीख लिया हो जो तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं था यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट दिस ये जरा सा देखे उसी तरीके से ना आई करंट आया तो देखो ना आई क्रिएट करेगा फिर वो ये वाले रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगा तो आई आर टू का इंटर आई आर टू का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा फिर जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो आई आर वन का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा तो मैं बोल सकती हूँ ना दोबारा से Despite of the fact that both the cells were supporting one another, and in this case both the cells are not supporting one another, resistance का कोई भी support वाला seed नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा resistance आ रहा था, यहाँ पर भी same तरीके से resistance आएगा। कि i current flow किया R के across, फिर i फ्लो किया R1 के अक्रॉस फिर i फ्लो किया R2 के अक्रॉस अभी मानो अगर मैं i को कॉमन ले लो, तो तुम लोग देख पा रहे हो, ये आ जाएगा, मतलब i के से I is equal to external resistance plus the net internal resistance. We know this. We know this. नहीं पता हम लोगों को ये हम लोगों को पता है तो ये हो गया सीरीज कम्बिनेशन ये हो गया सीरीज कम्बिनेशन जहां पर दोनों सेल्स एक दूसरे को क्या कर रहे थे यहां पर सपोर्ट कर रहे थे और यहां पर वो एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस में कनेक्टेड थे अब तुम लोगों को क्या पता कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा हो कि ओ दी दीज क्वेश्चन लाइक रियली ईजी सॉरी दिस कंसेप्ट इज लाइक रियली ईजी या फिर कुछ बच्चों को लग रहा हो कि दी मतलब क्वेश्चन करवा दोगे ना तो अप्लाई करना आ जाए तो मस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आओ क्वेश्चन करते हैं है ना कंसेप्ट इतना ही है सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट इतना ही है अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और समझ आए है ना जी तो अभी यहाँ पर देखिएगा मानोमे नॉट no, again. लाइक like कर देंगे सब बच्चे इस वीडियो को देखो लेटस डू वन क्वेश्चन तुम्हें बोला गया है कि ये सेल है छह वोल्ट का इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वन ओम ठीक है ना उसी तरीके से ये सेल है मेरे पास चार वोल्ट का इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है तीन ओम और अब यहाँ पर ना सोलह ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन कैलकुलेट एवरी कैलकुलेट वॉट इज द करंट जो यहाँ पर सर्किट के अक्रॉस फ्लो कर रहा है वॉट इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप जो कैपिटल आर मतलब सोलह ओम के अक्रॉस है वॉट इज द इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप जो पहले वाले सेल में आ रहा है वॉट इज द इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप जो दूसरे वाले सेल के अक्रॉस आ रहे हैं सब बता दो तो सब बता देंगे क्योंकि फिजिक्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मैं रहूंगी सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर तक और मेरा आंसर आएगा चाहे मैं बच्चों खिरशफ में जाऊं तब भी मैं वीज इक्वल टू आई आर लगा रही होगी वीटस्टोन में भी मैं वीज इक्वल टू आई आर लगा रही होगी पोटेंशियो मीटर के अंदर भी मीटर ब्रिज में भी इनफैक्ट पावर में भी बट यू हैव टू अटेंड थ्री क्लासेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट ठीक है चलो आ जाओ तो सबसे पहले यार अगर मैं करंट की बात करूं तो देखो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है मैं ये बोल दूंगी कि यहाँ पर जो ईएमएफ जो नेट ई की वैल्यू है तो तुम देख पा रहे हो छह वोल्ट चार वोल्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आगे दस वोल्ट और उसी तरीके से अगर मैं नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालू मतलब जिसके अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आ रहे हो क्योंकि तुम देखो ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ही है जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं गौर से देखिएगा अभी ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस में गया है देखो ये पोर्शन मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस में दे दिया और ये देखिएगा ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं है दोनों सीरीज में तो सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं सिंपली ऐड करके मजा आया अच्छी बात है यार मजा आना चाहिए है ना ये देखो आंसर कितना आंसर आया बीस ओम मेरे पास आंसर आ गया यार कि अगर मेरे पास कंबिनेशन में नेट ई की वैल्यू है दस वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस है बीस ओम तो कितना करंट आएगा सर्किट में बताओ आई कैन से जो सर्किट में करंट आएगा इट इज इक्वल टू सर्किट में नेट ई एम एफ कितना था करंट देने वाला डिवाइडेड बाई सर्किट में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है तो ये वाली वैल्यू बच्चा जी कितनी आई ये मेरे पास आया दस वोल्ट बाय बीस ओम विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर अब तुमसे किसी किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछे ठीक है तुमसे पूछे वॉट इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप बोले तो ये तो क्या दिक्कत है एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप आया कितना करंट फ्लो किया कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो ये वाली वैल्यू आ गई आठ वोल्ट तुमसे पूछा जाए कि कितना इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है दूसरे सेल के अक्रॉस इट इज इक्वल टू इसमें से कितना करंट फ्लो किया मल्टीप्लाइड बाय इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू वन पॉइंट फाइव वोल्ट तुमसे पूछा जाए कि यार कितना इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है पहले वाले के अक्रॉस इट इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो किया कितने ओम के अक्रॉस ये वाली वाले आ गए जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट स्ट्रेस नहीं लेना है मैं तुम्हें बस ये बोल रही हूँ सेल्स के कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू आई आर से ऊपर नहीं है इनफैक्ट पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी V इज इक्वल टू आई आर से ऊपर नहीं है इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन योर अप्रोच द इज विद विच यू आर एबल टू गेट टू द फाइनल आंसर आया ना और तुम लोग एक और चीज नोटिस करो आठ वन पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव दस वोल्ट होता है व्हाट इज हां जी एक और क्वेश्चन करते हुए ताकि थोड़ा सा और समझ आए लेटस डू वन मोर क्वेश्चन आई एम होपिंग क्लियर हुआ होगा आपके बाद तीन सेल लूंगी मैं तुम भी याद रखोगे ठीक है यहां पर देखो ये मेरे पास छ वोल्ट छे वोल्ट वन ओम यहाँ पर मेरे पास ऐसे आया पांच वोल्ट वन ओम और उसी तरीके से ऐसे मेरे पास आया दस वोल्ट तीन ओम ठीक है यहां पर मेरे पास आया पंद्रह ओम सब निकाल दो समझ रहे हो देखो तीन सेल्स हैं बच्चों एक सेल मेरे पास ये है दूसरा सेल मेरे पास ये है तीसरा सेल मेरे पास ये है सो दिज आर दी थ्री सेल्स मैम फिर वो ये सिक्स वोल्ट जो गिवन है वो एक्सटर्नल है कहाँ सिक्स वोल्ट गिवन है अरे भाई ये बैटरी है क्या करते हो दिस इज़ बैटरी दिस इज बैटरी दिस इज बैटरी दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी द इंटरनल रिजिस्टेंस ऑफ द बैटरी दिस इज़ दी रेजिस्टेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल सर्किट तो जो मैं बोल रही थी एक्सटर्नल रिजिस्टेंस वो ई वाली सॉरी ईए वाली वैल्यू है है ना सुनो क्लास में आई हो सुनो अब हमसे पूछा हुआ है सर्किट में कितना करंट है ठीक है और हमसे ये भी पूछा गया है नेट इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी है दिस इज द क्वेश्चन बच्चों करंट से शुरू करेंगे ठीक है तो अभी मैं करंट से शुरू करूं तो आई कैन से कि देखो भाई जो करंट सर्किट में है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सर्किट के अक्रॉस नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय सर्किट के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मानते हो ना तो ये सारे के सारे रेजिस्टर सीरीज में है मैं तो कितना इजी है ये ये देखो तो ये पंद्रह ओम ये एक ओम ये एक ओम ये तीन ओम कितना बना बीस ओम बना ना बीस ओम बना तो डिनोमिनेटर वाला सीन नहीं है ये तो आ गया मेरे पास बीस ओम नेट ईएमएफ देखो तो ये देखो बच्चों ये बोल रहा है इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करो ये बोल रहा है इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करो लेकिन फिर ये बोल रहा है इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करो तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि हम इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करें ग्यारह वोल्ट का लेकिन इसकी वजह से इफेक्ट ये है कि हम इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करें दस वोल्ट का मतलब आई कैन से नेट ई एम एफ नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा वन वोल्ट का मतलब आई कैन से कि अगर मुझे करंट की डायरेक्शन बनानी हो ना तो करंट की डायरेक्शन मेरे पास ये आएगी ये वाली वैल्यू आ गई वन वोल्ट कॉम्प्लिकेट नहीं करवानू देखो आया ना हेलो बच्चो वैल्यू कितनी आई जीरो पॉइंट जीरो एम्पियर अब जो मर्जी निकालो किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बताओ कितना नेट इंटरनल ड्रॉप है सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट कितना करंट फ्लो किया मल्टीप्लाइड बाय वॉट इज द नेट वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखो ना वन ओम वन ओम थ्री ओम सीरीज में है ना तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पांच ओम आ गया तो अभी अगर पचास मिली एम्पेयर पांच ओम के अक्रॉस फ्लो करेगा तो वो मुझे टू फिफ्टी मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप देगा विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव वोल्ट देखिए ये हो गया आपका वन अगेन आई एम होपिंग नाउ इट इज क्लियर गाइस है ना एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में आई एम होपिंग किसी को भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है बिकॉज सीरीज में हम सिर्फ कर रहे हैं इससे ऊपर बढ़ के हम लोगों ने अभी तक तो बात नहीं की है है ना पैरेलल में अब दिमाग घूमता है ये देखो ठीक है अब सब बच्चे कंसेप्ट के ऊपर दोबारा से वापस आते हुए जस्ट अ सेकेंड ठीक है ये देखो अभी मान लो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं आज का आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग सी है ऐसी है पूरी क्लास इसके बाद खिरशफ है खिरशफ में भी हम लोग क्या करेंगे सेल के साथ डील कर रहे होंगे बहुत क्विक मतलब जो जो बच्चे खिरशफ लॉ मान लो अगर तुम लोगों ने टॉपिक पहले कभी भी किया हो स्कूल में करवाया हो तुम लोगों को खिरशफ लॉ वगैरह तो अगर मान लो तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है इस क्लास के बाद नहीं रहेगी क्योंकि मैं तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझाऊंगी पॉजिटिव तो क्यों नेगेटिव तो क्यों ठीक है अब मानो बच्चों अगर मैं यहाँ पर पैरेलल कंबिनेशन की बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस टॉपिक को निपटाएंगे सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन फिर हम इसके ऊपर देखेंगे पीवाई क्यूज अगर हैं तो फिर इसके ऊपर एनसीईआरटी रिव्यू एंड क्वेश्चंस, फिर खिरशफ के ऊपर चलेंगे और सारी चीज दोबारा से करेंगे तो ये सीरीज कम्बिनेशन ये सीरीज कम्बिनेशन ओके आई फाउंड दिस ऑन द वेब इज कॉम्बिनेशन चेक इट आउट अच्छा एस ई आर आई एस बोल रही थी तो इसको एस आई आर आई सुना ये आया पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है जी हां जी सब बच्चे टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हुए अब की बार देखो मेरे पास व्हाट इज दिनारियो अब की बार दो सेल्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो ये मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट है कैपिटल आर के रेजिस्टर का है ना और मेरे पास दो सेल्स हैं थोड़ा सा एस्थेटिक भी लगना चाहिए यार है ना गंदे से डायग्राम से फिर फिजिक्स करने का दिल ही नहीं करता बिना डायग्राम के फिजिक्स आती नहीं अब यहाँ पर देखिएगा ये मेरे पास एक बैटरी है इसके ई की वैल्यू है ई वन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर वन ठीक है उसी तरीके से बच्चों इसके ई की वैल्यू है ई इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर गौर फरमाइएगा दिस इज वन बैटरी एंड दिस इज आन अदर बैटरी एज यू ऑल कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज तो ये मेरे पास एक सेल आ गया ये दूसरा सेल आ गया ये एक्सटर्नल सर्किट है जहाँ पर आर की रेजिस्टेंस है. है ना अब बच्चों देखो मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ ना मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इफ आई डिफाइन दिस पॉइंट टू बी एट पोटेंशियल ए देन दिस पॉइंटो बी आट पोटेंशियल ए दिस पॉइंटो बी आट पोटेंशियल ए दिस पॉइंटो बी आट पोटेंशियल ए सिमिलरली इफ आई डिफाइन दिस पॉइंट टू बी एट पोटेंशियल बी तो नॉर्मल वायर जा रही है बीच में कोई रजिस्टर नहीं आ रहा है तो ये वाला पॉइंट भी बी के पोटेंशियल पे हो गया ये भी पॉइंट बी के पोटेंशियल पे हो गया ये भी पॉइंट बी के पोटेंशियल पे हो गया तो बच्चों फिर क्या मैं यहां पर ये बोल दूं कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना जो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप है गौर फरमाइएगा पहले वाले सेल के अक्रॉस इट इज इक्वल टू कितना एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप है दूसरे सेल के अक्रॉस बिकॉज़ दिस इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप तो कंबिनेशन का भी एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप ये है इस सेल का भी एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप ये है इस सेल का भी एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप ये है तो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है बताओ मानो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यहाँ से जो करेंट गया है उसकी वैल्यू है आई वन यहाँ से जो करंट गया है उसकी वैल्यू है आई टू तो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है ईएमएफ माइनस द इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी लेट अस सी फटाफट तो ये मेरे पास बना ई वन माइनस आई वन आर वन और ये मेरे पास बना ई टू माइनस आई टू आर टू मानते हो देख लो आई एम होपिंग किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब आई कैन से कि अगर मानो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी को डिफाइन करूं तो मैं अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी को दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ तो एक तो मेरे पास आ गया ई वन माइनस आई वन आर वन और एक मेरे पास आ गया ई टू माइनस आई टू आर टू है ना विस इज द इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप आई वन का करंट आर वन के अक्रॉस अगर फ्लो किया तो इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप आ गया आई वन आर वन तो अगर इसका ई एम एफ ई वन है तो ई एम एफ क्या होता है इंटरनल ड्रॉप प्लस एक्सटर्नल ड्रॉप तो एक्सटर्नल ड्रॉप क्या हो जाएगा इंटरनल ड्रॉप तो एक्सटर्नल ड्रॉप हो गया ई एम एफ माइनस द बार जरा सा देखिएगा तो मैंने जब यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया तो मैं देख पा रही हूँ कि मैं यहाँ पर I1 और I2, I2 को डिफाइन कर पा रही हूँ कि मानो अगर मैं आई को डिफाइन करू सो दिस इज गोइंग टू बी एक वन माइनस वी ए बी डिवाइडेड बाई स्मॉल आर वन मैं आई टू को डिफाइन कर पा रही हूँ इज इक्वल टू ई टू माइनस वी ए बी बाई आर टू गौर फरमाइए मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है ये देखो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव में ले गई फिर इसको मैं यहाँ पर नेगेटिव में ले आई तो मेरे पास आया आई वन आर वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी ए बी तो आई वन की वैल्यू आई ये आई टू की वैल्यू आई ये बेसिकली अभी मैं तुम्हें डेरिवेशन करवा रही हूँ आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट प्लीज फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट है ना तुम्हें तो डेरिवेशन से बस कंसेप्ट निकाल लें तो क्या मैं बोल दूं कि मैं बेसिकली ये क्यों कर रही हूँ मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज आई नीड टू आई नीड दैट आई नीड दैट फिजिकल क्वान्टिटी जिसकी हेल्प से मैं पहले और दूसरे को कम्बिनेशन के साथ लिंक कर पाऊँ तो मैं कर सकती हूँ कैसे कि अभी यहाँ पर जो करंट कम्बिनेशन में है ना ये देखो यहाँ पर जो करंट कम्बिनेशन में है इट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू तो मैंने आई वन कर लिया इसको डिफाइन करते हुए आई टू निकाल लिया इसको डिफाइन करते हुए अब हम ऐड करेंगे तो आई कैन से कि यहां पर मेरे पास जो करंट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट ई एम एफ अक्रॉस द कम्बिनेशन माइनस द एक्सटर्नल ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है ना सो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया मेरे पास ए बी अब मैं सिर्फ यहां पर लिखूंगी आई वन प्लस तो ये मेरे पास आया ई वन माइनस वी ए बी बाई स्मॉल आर वन यहां पर मेरे पास आया ई टू माइनस वी ए बी बाई स्मॉल आर टू देखिए वी ए बी आई एम होपिंग सब बच्चे सब कॉमन uh, देख पा रहे हैं कि आई कैन से ई सी ओ एम बी बाय आर सी ओ एम बी दिस सिंपल डेरिवेशन आप कभी भी रिकॉप दे देख सकते हैं इस डेरिवेशन का वंस द क्लास एंड हमें डेरिवेशन से जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बेसिस पे हमें कंसेप्ट हमारे बिल्ड करने हैं। ठीक है तो मैं सिर्फ डेराइव कर रही हूँ ये मेरे पास आया वी ए बी डिवाइडेड बाय आर कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू माइनस वी ए बी मल्टीप्लाइड एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो ये सी बात है डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ़ द कम्बिनेशन इज वन बाय आर वन प्लस वन सरप्राइज एज आई कैन सी ध्यान से देखते जाना बच्चों सारी चीजें बिल्कुल डिटेलिंग में बताई जा रही है डेरिवेशन दोबारा से मैं एक बार रिकअप कर दूंगी और रिकअप चाहिए हो तो उसके लिए रिकॉर्डिंग देखोगे तो मेरे पास फिर आया e कम्बिनेशन बाय r कम्बिनेशन माइनस वी ए बी बाई आर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू माइनस वी ए बी बाई आर कम्बिनेशन तो यहां से आई मेजर इक्वेशन जिसको निकालने के लिए पूरी की पूरी डेरिवेशन थी क्या आया वो ई कम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में आओगे श्रेया और नेक्स्ट क्लास में टाइम से आओगे ताकि ये सब चीजें पूछ के है ना क्लास को डिस्टर्ब ना करो तो ये वाली वैल्यू आई ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू सब बच्चे क्लास में बिल्कुल टाइम से आएंगे अगर मान लो आप क्लास में लेट आ रहे हो तो आप उस क्लास में डाउट नहीं पूछेंगे क्योंकि आप क्लास में थे नहीं शुरू से जिसकी वजह से आपने चीज़ें स्किप किए है।, है ना जिसकी वजह से आपकी कुछ चीज़ें मिस हुई हैं तो किसी भी बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा अगर एक बच्चा क्लास में लेट है तो उसकी जगह नब्बे बच्चे हैं जो क्लास में टाइम से आए हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं खराब होना चाहिए ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला इसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए पूरी की पूरी डेरिवेशन थी फटाफट से दोबारा से रिकअप ठीक है ये ए के पोटेंशियल पे है तो ये भी ए के पोटेंशियल पे ये बी के पोटेंशियल पे है तो ये भी बी के पोटेंशियल पे एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अक्रॉस सेम हो गया एज आई कैन सी एक्सटर्नल ड्रॉप होता है ई माइनस द इंटरनल ड्रॉप तो इसके अक्रॉस जो एक्सटर्नल ड्रॉप आएगा इसके अक्रॉस इट इज इक्वल टू ईमएफ माइनस इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप आई वन स्मॉल आर वन उसी तरीके से अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो आई कैन से कि यहां पर जो मेरे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इट इज इक्वल टू ई एम एफ ई टू माइनस द इंटरनल ड्रॉप आई टू आर टू इम्पॉसिबल श्रेया ऑल दो आई नॉट बी आई नॉट बी एड्रेसिंग यू एनी फर्दर सब बच्चे कंसेप्ट के ऊपर दोबारा से वापस आते हुए आई वन आई टू आ गया अब मुझे क्या करना है मुझे कम्बिनेशन को आई वन और आई टू के साथ लिंक करना है तो मैं बोलूंगी ना कि जो करंट कम्बिनेशन इक्वल टू आई वन प्लस पहले ये वाली इक्वेशन से आई वन निकाल लेती हूँ फिर ये वाली इक्वेशन से मैं आई टू निकाल लेती हूँ एक बार जब आई वन और आई टू आ जाएगा तो ये मेरे पास मेजर इक्वेशन आ जाएगी अब देखो बच्चों ये जो करंट अक्रॉस कम्बिनेशन है इसको मैं तीन तरीके से लिख सकती हूँ या तो मैं इसको लिख दूं इट इज इक्वल टू ईमएफ अक्रॉस द दम्बिनेशन डिवाइडेड बाई द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द देशन जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ रहा है या मैं इसको लिख दूं एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द दम्बिनेशन डिवाइडेड बाई द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या मैं इसको ऐसे लिख दूं इट इज इक्वल टू द इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप विच इज रिटन एज इक्वल टू दिस दिसड बाई रेजिस्टेंस तो बिकॉज मैंने आई वन और आई टू को इसी फॉर्मेट में लिखा है विच इज इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो मैंने आई कॉम्बिनेशन को भी बिल्कुल सेम तरीके से लिख दिया है ना अब फिर बाद में मैं ये वाले इक्वेशन देख पा रही हूँ अब बात यहाँ पर ये यह है कि आई हैव टू इंटरनल रेजिस्टेंस बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज अनदर तो अभी मानो अगर ये दोनों सीरीज में है तो ही बात है डिवाइडेड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस द इट इज इक्वल टू स्मॉल स्मॉल प्लस तो मैंने देखा कि यार ये तो कट गया देखो जो बच्चे नहीं देख पा रहे मैं ये वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ ये वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम है चला गया और हमारे पास ये बच गई मेजर इक्वेशन ई कम्बिनेशन बाई नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन इट इज इक्वल टू दिस दिस इज डेरीवेशन नाव लेटस अप्लाई इट है ना लेटस अप्लाई इट कि अभी क्या करें हम लोग इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे वो मेजर मुद्दा है, है ना सो नाउ लेट डू सम क्वेश्चन जिसकी हेल्प से हमारी क्लैरिटी बढ़े क्योंकि क्लैरिटी कभी भी डेरीवेशन से नहीं आती बच्चों डिस्कशन से नहीं आती वो होता है कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया है चाहे डिराइव करते हुए या फिर डराइव ना करते हुए हम उन कंसेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं सो लेट डू सम क्वेश्चन फॉर मोर क्लैरिटी अभी यहां पर ये क्वेश्चन देखिएगा ठीक है बच्चो मेरे पास क्वेश्चन ये है दट आई है इस तरीके से दिस इज माई सर्किट ओके ये देखो ये मेरे पास सर्किट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास दस ओम है सॉरी ये मेरे पास आया छे वोल्ट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई टू ओम ये बच्चों मेरे पास आया दस वोल्ट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई दिनेशन एज कैन सी सेल ये दोनों पैरल में है सब निकालो तुमसे पूछा जा रहा है वॉट इज देशन ये निकालो व्हाट इज करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द देशन ये निकालो व्हाट इज एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप ये निकालो सब निकाल दो तो हम क्या करेंगे सब निकाल देंगे तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से ई एम एफ ऑफ द कंबिनेशन से तो ये क्या होता है ई एम एफ जो कम्बिनेशन का होगा डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस जो कंबिनेशन की होगी इट इज इक्वल टू ईलटेंस ऑफ देशन निकालो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंबिनेशन तो मेरे पास दो ओम और दो ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे पैरल में थी सो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंबिनेशन की वैल्यू आ गई चिपका दो तो आई कैन सेट ई एम एफ ऑफ द कम्बिनेशन डिवाइडेड बाई वन इट इज इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस टेन डिवाइडेड बाई वन ये दो है सॉरी ये दो है बच्चों ये देखिए तो ई एम एफ अक्रॉस द कंबिनेशन आ गया ये तो डेरिवेशन की है अब डेरिवेशन, अब मैं हर जगह डेरिवेशन थोड़ी करूँगी डेरिवेशन से जो कंक्लूजन आया है अब हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं तो नेट ई एम एफ अक्रॉस दी कम्बिनेशन की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आई इट इज इक्वल टू थ्री प्लस फाइव एट वोल्ट इसका मतलब समझो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कि मेरे पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है और नेट ई एम एफ इतना है इसका मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि मानो अगर मैं इसको रिड्रॉ करना चाहूँ ना तो मैं इसको रिड्रॉ कर सकती हूँ देखो ऐसे कि यहाँ पर ये जो मेरे पास दो सेल्स से थे दो सेल को एक सेल के साथ रिप्लेस कर दिया जो आठ वोल्ट का है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वन ओम है और यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है दस ओम का अब ये कहाँ से डिफिकल्ट है देखिए रिड्रॉ कर दिया ऐसे ये तो एक सेल है है ना अब ऑब्वियसली बात है ऐसे करंट भेजेगा विच इज करंट अक्रॉस दम्बिनेशन तो करंट अक्रॉस द कम्बिनेशन कितना बना नेट ईएमएफ अक्रॉस द कम्बिनेशन डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कम्बिनेशन वैल्यू कितनी एट बाई इलेवन एम्पियर अब मुझसे यहाँ पर पूछा हुआ एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है सो इट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू कितनी आई एट बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दस का वैल्यू कितनी एटी बाई वोल्ट थिंग्स आर वेरी ईजी बट यू हैव टू डू क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सी दैट कि मैंने नेट इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन निकाल लिया ई एम एफ ऑफ द कम्बिनेशन निकाल लिया इसका मतलब समझ रहे हो कि ये जो सेल का कम्बिनेशन है इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ एक सेल से जो इस इतने ई एम एफ का है जिसकी इंटरनल रजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है तो ये मैंने देखो इस तरीके से रिप्लेस कर दिया अभी तो चिंगा पिंगा क्वेश्चन हो गया इजी लग रहा है आप क्यों की क्वेश्चन कर रहे हैं समझे बच्चों देर इज नो अदर वे आउट बिना क्वेश्चन के तुम्हें फिजिक्स कभी नहीं आएगी तुम नोट्स पढ़ रहे होगे तुम क्लासेस अटेंड कर रहे होगे लेकिन तुम टीचर से पूछ रहे होगे कि हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हम क्या करें क्वेश्चन सॉल्व करो जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा उसको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हम टीचर्स ना कभी कभी बच्चे को जान जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग ट इज ही और शी डूंग उसी बेसिस पे फिर हम हमारी एडवाइजेस को प्लेस करते हैं क्वेश्चन कीजिए देखो ये क्वेश्चन किया तो ये डेरीवेशन लगा कि डेरीवेशन वॉज फॉर दलूजन एक और क्वेश्चन करते हैं है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं फिर एक बार एनसीआरटी हाईलाइट कर लेंगे जो कुछ क्वेश्चन है वो कर लेंगे पीवाई के यूज कर लेंगे फिर फिर शव के ऊपर आएंगे ठीक है जी ओके तो यहां पर गौर फरमाइएगा मेरे पास दोबारा से सेम तरीके का क्वेश्चन मैं क्या करूँ अच्छा दो क्वेश्चन और करवाने थे यार मेरे दिमाग में दो और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए पता नहीं मैंने कहाँ देखे हुए बट दे आर रियली अमेजिंग ये मेरे पास आया छे ओम ठीक है चिंदी लगी डेरिवेशन यार ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करो <laughs> ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करो ये देखो ये मेरे पास आया दस वोल्ट ठीक है ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई दो ओम की या फिर ऐसा करते हैं इसको हम लोग चार ओम ले लेते हैं ठीक है उसी तरीके से ये मेरे पास आया पाँच वोल्ट ठीक है इसको हम लोग एक ओम ले लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि इजी कैलकुलेशन करवा दी अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है लेकिन अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा तो ये तुम्हें कंबिनेशन दे दिया दोबारा से वही वॉट इज द करेंट जो कंबिनेशन के अक्रॉस फ्लो कर रहा है वॉट इज दट ई एम एफ जो कंबिनेशन के अक्रॉस है वॉट इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप जो यहां पर क्रिएट हो रहा है जी तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे ई एम एफ जो कंबिनेशन के अक्रॉस है लेकिन इसके लिए मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है तो यार मेरे पास दो इंटरनल रेजिस्टेंस है देखो एक ये और एक ये दोनों एक दूसरे से क्या है पैरेलल में है तो यहां पर आया वन बाय वन प्लस वन बाय फोर तो आर कॉम्बिनेशन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई फोर बाय फाइव ओम जी तो अब मेरे पास आया

यहां पर मेरे पास आ गया फोर बाय फाइव एक बार जरा सा देखो तो ये मेरे पास कितना आया अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी ये है छे वोल्ट आ गया देखो छ वोल्ट आ गया शिट यार सॉरी तुम देख पा रहे हो कि मैंने तो ये सोचा था कि कुछ डिफिकल्ट सी डिफ़िकल्ट सी वैल्यूज आ जाएंगी तुम कैलकुलेशन में फंसे रहोगे मैं यहाँ पर ऐसे ईवुल लव दे रही होगी कि हाँ 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 बोला था ना मैंने है <laughs> ना लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं एक बार डायग्राम बना देते इसका मतलब समझ गए ना तुम लोग कि मानो अभी अगर नेट ई की वैल्यू ये आ गई नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई मतलब मैं यहाँ पर रिड्रॉ कर सकती हूँ पूरे के पूरे डायग्राम को ये देखो मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर सकती हूँ पूरे के पूरे डायग्राम को मेरे की मेरे पास एक बैटरी है छः वोल्ट की और उसके साथ ऐसे चिंगा पिंगा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है बाय बाय ओम का यहां पर इस तरीके से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है छे ओम का अन अकेडमी नहीं है दी डोंट वरी अन अकेडमी का चैनल तो है चलिए तो करंट निकाल लेते हैं अब है ना तो आई कैन से करंट कम्बिनेशन के अक्रॉस कितना होगा नेट ई जो कम्बिनेशन के अक्रॉस है डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस जो कम्बिनेशन के अक्रॉस है तुम तो तुम देखो ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में थे अरे बस करो मेरी तो जान खा गए तुम लोग तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई थर्टी फोर बाई फाइव ये वाली वैल्यू कितनी बनी थर्टी बाई थर्टी फोर एम्पेयर तो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा करंट मल्टीप्लाइड विच इज इक्वल टू थर्टी ये देखो प्रभु इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं हां जी अब मैं दो क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ जैसे कि अभी तक मैंने तुम लोगों को चार क्वेश्चन कराए हैं जिसमें दो क्वेश्चन कंप्लीटली सीरीज को फोकस कर रहे थे दो क्वेश्चन कंप्लीटली पैरेलल के कंसेप्ट को समझाने के ऊपर फोकस कर रहे थे ठीक है अब मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ बेटर क्लैरिटी के लिए है लेट अस डू वन क्वेश्चन तुम्हें देखो क्या बोला हुआ है ठीक है हम्म तुम्हें यहाँ पर बोला हुआ है दो केसेस दिए हुए हैं देखिएगा ये पहला केस है एक मिनट रुको बच्चों लेट मी ड्रॉ दी डायग्राम ओके अच्छा ये देखो ना ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर है आर का ठीक है यहाँ पर एक ही बैटरी लगी हुई है ई के ई एम एफ की और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस आर है अब मैं बोल रही हूं कि अगर मानो मैं ऐसे एन सेल्स लगा दू पैरेलल में एक दूसरे से पैरेलल में मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ पर खूब सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन आए हैं दे आर एन इन नंबर एक मिनट इस तरीके से देर आर एन सेल्स ओके यहां पर देखिएगा एक सेल ये एक सेल ये एक सेल ये एक सेल ये वही इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सो पहले वाले केस में आई ओनली हैव वन सेल ठीक है फिर नेक्स्ट वाले केस में आई हैव एन सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल एन सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल ठीक है क्वेश्चन बताऊं क्या है क्वेश्चन बच्चों यहां पर ये है कि अगर मानो यहां पर कम्बिनेशन में जो करंट है अगर उसकी वैल्यू आई वन है यहां पर अगर कम्बिनेशन में करंट की वैल्यू आई टू है तो मतलब फिर बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट आई वन की वैल्यू आई टू से बड़ी होगी आई टू की वैल्यू आई से बड़ी होगी दोनों की वैल्यू इक्वल होगी विच ऑफ दिनारियो विल बी करेक्ट तो देखो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली ये चीज आनी चाहिए कि क्वेश्चन अभी बोल रहा है कि करंट की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी डिफरेंट होगी तो कैसे डिफरेंट होगी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए डिफरेंट क्यों होगी डिफरेंट क्यों होगी मेरा जो एक्सटर्नल रजिस्टर है वो तो सेम है है ना मैंने लेकिन क्या किया मे भी इस तरीके से पैरल कंबिनेशन में इतने सारे सेल्स लगा के मैं क्या कर रही हूँ ई कम्बिनेशन को चेंज कर रही हूँ है ना मैं ई e कम्बिनेशन को चेंज कर रही हूं उसी तरीके से जो नेट इंटरनल कंबिनेशन के अक्रॉस है मैं उसको चेंज कर रही हूं क्योंकि अगर एक सेल है तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी तरीके से अगर दो सेल है तो दो इंटरनल रेजिस्टेंस है एन नंबर ऑफ सेल्स है तो एन नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा है ना देखो तो मैं कंपेयर कर नहीं सकती बच्चों अगर मैं डिफाइन ना कर पाऊँ तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डिफाइन करना तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी देखिएगा सबसे पहले मैं ये वाले सिनारियों को लूंगी अब देखो अगर मैं ये वाले सिनारियों को लूँ तो आई शुड बी एबल टू डिफाइन आई वन तो आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इट इज इक्वल टू ई माइनस एक मिनट मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा E is going to to be equal to I1 multiplied by capital R plus small r मानते हो एक बार सा। एक ही सेल है ई सेले एफ की वैल्यू है E तो I का करंट मानो यहाँ पर I1 का करंट फ्लो किया तो यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर दिया I1 कैपिटल R यहाँ पर इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर दिया I1 वन स्मॉल आर तो अगर मैं I1 को डिफाइन करना चाहूँ तो I1 मैं ऐसे डिफाइन करूंगी लेकिन अभी मानो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ कि आई की वैल्यू क्या होगी तो अब मुझे E कम्बिनेशन वगैरह चाहिए ना मतलब मैं यहाँ पर बोल दूंगी कि ई जो कम्बिनेशन के अक्रॉस है इट इज इक्वल टू करंट जो I2 रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस जो कम्बिनेशन के अक्रॉस है तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ई e कम्बिनेशन चाहिए या नर कम्बिनेशन चाहिए सोचो

अगर मैं ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन की बात करूँ ये वाले केस में सो दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू ई बाय आर इस तरीके से n टाइम्स तो मैं तो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो ईएमएफ कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वो मेरे पास ई e की वैल्यू ही है देखिए आई कैन से ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय आर कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू ई बाय आर

तो आई कैन से कि मैंने जब इतने सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्ट किए ना तो ई एम एफ अक्रॉस इज नॉट चेंजिंग ये ध्यान दीजिएगा ई एम एफ अक्रॉस द कम्बिनेशन इज नॉट चेंजिंग बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर मैं बहुत सारे सेल्स को एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट कर दूं जो सेम नेचर के हैं तो ईएमएफ कंबिनेशन के अक्रॉस में चेंज होता है बात बस ये है इंटरनल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कम हो जाती है जिसकी वजह से नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से करंट सर्किट में बढ़ जाता है तो I2 की वैल्यू क्या हो गई बड़ी ये देखिए ये वाली वैल्यू सेम रही है ना ई एम एफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो जब मैं मैंने ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ सेल्स को पैरल में कनेक्ट किया ई एम एफ अक्रॉस दम्बिनेशन नहीं चेंज हुआ लेकिन जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कम्बिनेशन के अक्रॉस थी वो वाली वैल्यू कम हो गई तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ऑल टूगेदर नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई सेम ई पे तो करंट को बढ़ना पड़ा देखो अब मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाने वाली हूँ सीरीज में ठीक है अगर तुम्हें यह लगे कि मैम हम चाहते हैं कि आप एक और बार रिपीट करें तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है ठीक है मैं हर एक क्वेश्चन का रिपीटेशन इस तरीके से दे ही देती हूँ अब यहाँ पर मानो अगर मैं सेम सिनारी लेती लेकिन अब बार सीरीज कम्बिनेशन के साथ कि पहले क्या था ना मेरे पास एक सर्किट था यहाँ पर कैपिटल आर का रजिस्टर है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से ई का ई है एक सेल है जिसका ई एम ई का है इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल आर है अब की बार मैंने क्या किया ना अब की बार देखिएगा अब मैं मैंने ऐसे एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो यहां पर तुम देख पा रही हो ये एक सेल आ गया ये मेरे पास दूसरा सेल आ गया इस तरीके से एन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर है ठीक है ये देखिएगा ये एक ये दो ये इस तरीके से एंथ है सो दिस इज सेल क्वेश्चन वही है क्वेश्चन वही है कि अगर पहले वाले केस में करंट की वैल्यू आई वन है दूसरे वाले केस में करंट की वैल्यू आई टू है तो बताइए आई वन आई टू की वैल्यू सेम होगी और मान लो अगर अलग होगी तो आई वन की वैल्यू बड़ी है यहाँ पे या फिर आई टू की वैल्यू बड़ी है यहाँ पे क्वेश्चन समझे सब बच्चे हाँ जी सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे

क्या मैं बोल दू पहले वाले केस में अगर मुझे आई वन को डिफाइन करना हो तो आई वन मेरे पास क्या बना आई वन बन गया मेरे पास ई डिवाइडेड बाय या फिर अगर मैं ढंग से लिखू यार ये देखो ई एम एफ अक्रॉस दम्बिनेशन ई ही है दिस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस दूसरे वाले केस में आपकी बार मुझे इक्वेशन मॉडिफाई करनी पड़ेगी मेरे पास आ गया ई कम्बिनेशन इट इज इक्वल टू आई टू मल्टीप्लाइड तो कम्बिनेशन यहां पर तो ईजी है ई वन प्लस उसी तरीके से मेरे पास ये जो छोटे छोटे रेजिस्टर्स है स्मॉल आर के रेजिस्टेंस के ये भी एन टाइम्स प्रेजेंट है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि जो I2 की वैल्यू है इट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ e डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस n टाइम्स ऑफ स्मॉल r तो यहाँ पर तुम देखो I1 की वैल्यू कितनी है इट इज इक्वल टू e कैपिटल R प्लस स्मॉल r यहाँ पर i2 की वैल्यू है n टाइम्स ऑफ e इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा है यार उसको तुम लोगों ने n से इंक्रीज कर दिया तो इतना अच्छा खासा करंट नहीं डिक्रीज हुआ जितना करंट इंक्रीज हो गया बिकॉज़ emf की वैल्यू भी n की हेल्प से इंक्रीज हो गई तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो i2 की वैल्यू i1 से बड़ी हो गई ये देखिए देखो आई एम होपिंग दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू है ना न्यूमरेटर में डायरेक्ट अफेक्ट है एन का यहां पर सप्लीमेंट्री अफेक्ट है तो डायरेक्ट अफेक्ट ओवर पावर गया तो आई टू की वैल्यू आई वन से बड़ी हो जाएगी ठीक है ये देख लीजिए लेकिन ये वाले केस में तुम लोग देख पा रहे हो जब हम लोगों ने पैरेलल में दिया था ना पैरेलल में द नेट ईएमएफ अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वाज नॉट चेंजिंग वॉज नॉट चेंजिंग लेकिन यहां पर ई एम एफ जो कंबिनेशन के अक्रॉस हैज इनक्रीज सीरीज कंबिनेशन में ये देखिए ये है बच्चों सेल और उनके कम्बिनेशन अब एक बार ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अगर हमें मिले तो ये देखो यहां पर बोला हुआ है अगर मानो मैं सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करूं तो क्या होगा क्वेश्चन देखिए सेल्स को अगर मानो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं, अरे पेज नंबर फोर क्यों लिखा हुआ है पेज नंबर सॉरी क्लास नंबर फोर लिखा हुआ है जस्ट अ ओके? जी, ये जरा सा देखो क्वेश्चन आप पर ये है सेल को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो ईएमएफ की वैल्यू सेम रहती है ना ईएमएफ की वैल्यू सेम रहती है अभी हम लोगों ने किया है ई एम एफ की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वो एन के फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी जिसकी वजह से जो नेट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गई तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ा सो so करंट की वैल्यू क्या बात है क्या बात है इंक्रीज कर जाएगी है कि नहीं अब यहां पर क्वेश्चन देखिएगा हमें बच्चों यहाँ पर एक कम्बिनेशन गिवन है और हमें करंट के ऊपर फोकस करना है कि इस कम्बिनेशन के अक्रॉस कैसे करंट फ्लो कर रहा है ये देखो मैंने जूम कर दिया तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये भी बताना है कितना फ्लो करेगा ये भी बताना है तो तुम सेल देखो ना एक सेल ऐसे है एक सेल ऐसे है ठीक है यह है सेल 10 वोल्ट का इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करना चाहता है यह है सेल 4 वोल्ट का इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करना चाहता है तो ऑब्वियस ही बात है नेट ईएमएफ जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इट इज इक्वल टू सिक्स वोल्ट टेन वोल्ट माइनस फोर वोल्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो कम्बिनेशन में एक ओम दो ओम तीन ओम सीरीज में है है ना तो आई कैन से कि जो नेट रेजिस्टेंस है जिसमें एक्सटर्नल और, और इंटरनल दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई ये वाली वैल्यू आ गई ओम तो बात है करंट की वैल्यू कितनी ई एम एफ कम्बिनेशन के अक्रॉस कितना है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस कम्बिनेशन के अक्रॉस कितनी है सिक्स वोल्ट बाय ओम गिविंग मी वन एम्पियर तो करंट तो वन एम्पियर ही फ्लो करेगा बात बस ये है कौन सी डायरेक्शन में तो कौन सा सेल जीता था एम एफ की वैल्यू ज्यादा थी ये सेल जीत गया अब ये सेल जीत गया तो ऑब्वियस ही बात है करंट ऐसे आएगा ना देखो करंट ऐसे आएगा डायरेक्शन ढूंढो फ्रॉम ए टू फ्रॉम बी टू ए थ्रू ई नहीं फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई ऑप्शन नंबर डी स्पैम मत करो जो हो रहा है वो कंप्लीट कर लो ये देखिए है ना तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो आई कैन से करंट जा रहा है ए से लेके बी तक ई के थ्रू क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा ये खिरशफ से होने वाले क्वेश्चन है आई बिलीव यही क्वेश्चन है ठीक है ये कुछ ये एक क्वेश्चन हो गया और तो आज की क्लास में मतलब अभी तक सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर मैं तुम्हें सात क्वेश्चन करवा चुके ठीक है अब जरा सा देख लेते हैं एनसीईआरटी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई हो तो है ना बच्चों देखो एन कुछ चैप्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन उन चैप्टर में से करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर नहीं है मैं मैंने स्कैन कर लिया है आई डोंट मैंने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है तो अब हम लोग चलते हैं पीवाई की ऊपर ये खिरशफफ के ऊपर है ये खिरशफ के ऊपर है ये भी खिरशफफ से होगा ठीक है और ये हमसे हो जाएगा वैसे ये भी खिरशफफ से है ये भी खिर से है ठीक है तो अब क्या करते हैं अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो आखिरी टॉपिक है पढ़ो रेहान कुछ डिप्रेस्ड वगैरह सब फील होना बंद हो जाएगा ये देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक आया वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एटी टॉपिक्स विच इज्स लॉस ठीक है बहुत प्यारा टॉपिक है मतलब ये टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा अभी खत्म हो जाएगा बात सिर्फ इसके एप्लीकेशन की है कि अप्लाई करना है जो लॉ डिस्कस किया कि हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं और फिर उसके बाद क्लास खत्म है ना तो देखो किरशफ के बच्चों बेसिकली हमारे दो लॉज हैं पहले मुझे ये बता दो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो है वो क्लियर है हां जी बताइए विराज के अलावा कोई डिसअपॉइंटेड बच्चा जो यहाँ पर बैठा हुआ है या फिर मुझे बोलना चाहिए कि विराज के अलावा कोई ऐसा बच्चा जो क्लास के बीच में आया आई एम होपिंग तुम लोगों को भी समझ आया हो ठीक है ऑले ऑले चलो इसको हटा देते हैं ये देखो ओके जी ये पूरा आई एम होपिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने कर लिया है अब हम लोग चलते हैं, चलते हैं फिर क्रिश लॉ क्रिस्टल क्लियर ना होना भी चाहिए बच्चों ठीक है सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक सौ एक बच्चे बैठे हुए हैं ना लाइक like करो वीडियो को और बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ टीचर की नजर है बिल्कुल देख के समझ आता है कि बच्चा एक मिनट पढ़ने आया है कि नहीं आया है क्लियर एज क्लियर एज वॉटर ओके जी अब देखो किरचॉफ के बच्चों दो लॉज हैं पहले वाला लॉ सबसे क्यूट सा लॉ है ठीक है जो हमारा फर्स्ट लॉ है सबसे क्यूट लॉ है यहीं से नोडल एनालिसिस निकलता है तो फर्स्ट लॉ मेरे पास आ गया जंक्शन रूल फर्स्ट मेरे पास आ गया जंक्शन रूल तो ये जंक्शन बोले तो नोड तो ये फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना बोलता है कि मान लो मेरे पास एक नोड है इफ आई हैव टू टेक दिस एग्जांपल मान लो दिस इज द नोड और आई कैन से मान लो दिस इज दंक्शन एम टॉकिंग अबाउट तो यहाँ पर बस इतना है जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउट गोइंग करंट होगा क्योंकि जंक्शन चार्ज नहीं स्टोर करता है तो ऑब्वियस बात है मानो ये मेरे पास जंक्शन है यहाँ पर दो करंट आया एक करंट यहाँ पर आई वन आया एक करंट यहाँ पर आई टू आया इसका मतलब समझ रहे हो इसका मतलब आई वन प्लस आई टू का चार्ज एक सेकेंड पे आया इस नोड के ऊपर अब नोड कभी भी चार्ज को ना तो स्टोर करता है ना डिस्ट्रॉय करता है तो जितना चार्ज आया है एक सेकेंड में उतना ही चार्ज जाना भी चाहिए एक सेकेंड में सो वेन आई टॉक अबाउट दी जंक्शन रूल देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो नंबर वन इट इज बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये खत्म ठीक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि जंक्शन जो है जंक्शन कभी भी किसी भी तरीके के चार्ज को ना क्रिएट करेगा ना वो डिस्ट्रॉय करेगा ना वो स्टोर करेगा तो आई कैन से कि जितना चार्ज एक जंक्शन के ऊपर आया है एक सेकेंड में इट शुड बी इक्वल टू कितना चार्ज यहां से जाएगा एक सेकेंड में देखिए एक बार ऐसे बच्चे ना मेरे चैनल के ऊपर भी आते हैं दे वो स्पैम करते हैं लेकिन स्पैम क्या करते हैं कि मैम आपसे बढ़िया फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाता मैम आपसे बढ़िया फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाता मैम आपसे बढ़िया फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाता ऐसे स्पैम करते जाएंगे कि तारीफ की है ऑब्वियसली बात है मैम ब्लॉक तो नहीं करेंगे बट अनफॉर्चूनेटली और आई शुड से फॉरचूनेटली ये देखिए इनकमिंग जितना चार्ज आए 1 सेकंड में उतना ही चार्ज जाएगा भी 1 सेकंड में तो देखो जो चार्ज एक सेकेंड में आया है इट इज इक्वल टू वॉट आई वन प्लस आई टू ये देखिए ये आया आई वन आया है ये मेरे पास आया आई वन प्लस आई टू इट इज इक्वल टू कितना चार्ज जाएगा एक सेकेंड में विच इज इक्वल टू आई थ्री दिस इज दिशफ फर्स्ट लॉ विच इज द जंक्शन रूल बस इतना है इससे बढ़ के कुछ नहीं है ठीक है अब इसके ऊपर क्वेश्चन करवा देती हूँ बस और ये तो खत्म असली जो मालदार टॉपिक है ना वो है हमारा सेकेंड लॉ ये वाला क्वेश्चन देखना यहां पर बोला हुआ है कि जो खिरशव का फर्स्ट लॉ है वो ये बोलता है कि सम ऑफ द करंट जो एक जंक्शन से रिलेटेड है इट इज इक्वल टू जीरो मतलब किसी भी जंक्शन का करंट नहीं होता जंक्शन से पे करंट आएगा उतना ही करंट चला भी जाएगा जैसे रेलवे स्टेशन होता है रेलवे स्टेशन में आई कैन से ना जितनी भी ट्रेन आई उतनी ट्रेन चलेगी अगर रेलवे रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन है वो स्टोर नहीं की जा रही है सेम चीज यहां पर है कि एक जंक्शन है एक नोड है जितना करंट आएगा उतना ही करंट वो चला भी जाएगा सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ वॉट दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दी आपकी क्लास में गलती से भी अगर कुछ इलेवेंट टाइप करने से डर लगता है आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट दैट यू टेक दू नो हाउ शुड आई पुट इट यू टेक दिसिप्लिन दैट यू मस्ट मेंटेन इन माई क्लास सीरियसली आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स की क्यों मुझसे बच्चों को ज्यादा समझ आता है ना वरना बच्चे डिक्टेट करने लग जाएंगे कि क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों का ध्यान अभी टॉपिक के ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो सम स्टूडेंट शुड नॉट डिसाइड दैट राइट अब यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है मैं तुम्हें बताती हूँ वॉट इज द क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें बनाया पंद्रह एम्पेयर ठीक है ये मेरे पास पंद्रह एम्पेयर है ये मेरे पास इस तरीके से आठ एम्पेयर है फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन करवा रही हूँ ये बच्चों पांच एम्पेयर है आई की वैल्यू निकालने हैं ये मेरे पास तीन एम्पेयर है देखो ये जो मेरे पास करंट है ना इसकी वैल्यू पूछी हुई है तो निकालेंगे मैंने क्या किया ना मैंने इसको अपना जंक्शन मान लिया कौन रोक रहा है मुझे ये मेरा जंक्शन है ये देखो जी ये मेरे पास इस तरीके से जंक्शन है तो मैं बोल दूंगी जंक्शन के ऊपर जितना करंट आया है जंक्शन से उतना ही करंट वापस चला भी जाएगा तो देखो यहां पर मेरे पास आया पांच एम्पियर यहां पर आया पंद्रह एम्पियर यहां पर आया तीन एम्पियर है कि नहीं तो टोटल करंट मेरे पास अंदर कितना आ रहा है ट्वेंटी थ्री एम्पियर तो ट्वेंटी थ्री एम्पियर बाहर भी चला जाएगा ट्वेंटी थ्री एम्पियर गिवन तो है ऑप्शन नंबर सी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन देखो ना बच्चों यहां से पंद्रह एम्पियर आया जंक्शन पे यहां से पांच एम्पियर आया जंक्शन पे यहां पर तीन एम्पियर आया जंक्शन पे तो जंक्शन पे ट्वेंटी कूलम का चार्ज पहुंचा एक सेकेंड में तो जंक्शन से ट्वेंटी थ्री वुलम का चार्ज निकलना भी चाहिए ना फिर एक सेकंड में यही तो है हमारा फर्स्ट रूल इससे ज्यादा कुछ नहीं है फर्स्ट रूल है ना और आई बिलीव सेकंड के ऊपर तो ये हमारा आ गया बच्चों फर्स्ट रूल सिर्फ इतना ठीक है अब जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मुझसे नोडल एनालिसिस कर चुके हैं जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं अटेंड की हैं आप लोग क्या करेंगे अभी बिल्कुल ठंड रखेंगे ठीक है जी ये मे भी तुम लोगों को पता नहीं समझ आए कि नहीं आए अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ उन स्टूडेंट से जिन्होंने मुझसे नोडल एनालिसिस पढ़ी हुई है देखो मानो बच्चों अभी अगर मैं इसको अपना जंक्शन मानो ठीक है सब बच्चे टॉपिक के ऊपर वापस आते हुए सो दिस इज पॉइंट विच इज एट वी ए पोटेंशियल यहां पर एक रेजिस्टर आ गया आर वन ठीक है दिस इज दी बी पोटेंशियल यहाँ पर एक रेजिस्टर आ गया आर टू दिस इज द्वाइंट एट वी सी पोटेंशियल और यहाँ पर बच्चों रेजिस्टर आ गया आर थ्री है ना। अब देखना मैं चलूंगी सिर्फ इसके फर्स्ट लॉ से मैं बोलूँगी यहाँ पर जितना करंट आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये आई वन करंट आ रहा है ये आई टू करंट आ रहा है और यहाँ से आई थ्री करंट जा रहा है तो मैं हमेशा बोल सकती हूँ कि आई वन प्लस आई टू इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई थ्री या फिर मैं बोल सकती हूँ आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो मानो ये ओके okay पोटेंशियल के ऊपर है वी ओके okay पोटेंशियल के ऊपर है तो I1 की वैल्यू आई कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ देखो इतना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ इतने के अक्रॉस I2 की वैल्यू मेरे पास आई इतना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ इतने के अक्रॉस और आई थ्री की वैल्यू मेरे पास कितनी आई इतना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ इतने के अक्रॉस रीअरेंज करो इसको रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा वी ओ माइनस वी बी बाई आर वन प्लस वी ओ माइनस वी ए बाय आर वन यहाँ पर आर टू आया प्लस वी ओ माइनस वी सी बाई आर थ्री इज इक्वल टू जीरो

तो इसको रीअरेंज करो ना इसको रीअरेंज करोगे तो ये आएगा दिस इज द नोडल एनालिसिस जो हम लोगों ने बिल्कुल पार्ट थ्री में किया था अब ये डिस्कशन खत्म अब मैं दोबारा से आ जाऊंगी सारे के सारे स्टूडेंट्स के ऊपर के पास वापस ताकि हम लोग क्या कर सके अब जो मेन टॉपिक है हमारा सेकेंड लॉ उसके ऊपर डिस्कशन कर सके जिसको बच्चों लूप रूल बोला जाता है जिसको देखो बच्चों लूप रूल बोला जाता है ये जो है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो लूप रूल बस ये बोलता है कि मानो मेरे पास किसी भी तरीके का कोई भी लूप हो आई कैन से उस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉज है ना ध्यान दीजिएगा उस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉज है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का जो मुझे कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहा है ठीक है बीस मिनट तक सिर्फ इसी के ऊपर डिस्कशन है फिर क्लास खत्म मैंने क्या बोला मैं तुम्हें बोल रही हूँ सेकेंड लॉ ये बोलता है कि मैं कोई भी लूप ले लूँ लूप कैसा भी हो सकता है कि मानो मेरे पास इस तरीके से एक सर्किट है ठीक है तो वो लूप में ये भी ले सकती हूँ वो लूप में ये भी ले सकती हूँ वो लूप में ये भी ले सकती हूँ जैसे कि अगर मानो मैं यहीं पे इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर ई एम एफ ई वन है ठीक है यहाँ पर ई एम एफ ई टू है यहाँ पर एक सेल है ई एम एफ ई थ्री का यहाँ पर आ गया मेरे पास आर वन रजिस्टर यहाँ पर आ गया मेरे पास आर टू रजिस्टर यहाँ पर आ गया मेरे पास आर रेजिस्टर और करंट भी मैंने बता दिया यहाँ पर करंट है आई वन यहाँ पर करंट है आई टू एक बार जरा सा देखिएगा ठीक है मानो आई गिव यू दिस एग्जांपल अभी मैं अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया बच्चों इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये है दैट वंस आई हैव डिसाइडेड द लूप आई जस्ट नीड टू इक्वलाइज द कॉज विद द कंसीक्वेंस द पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज होता है सेल्स ठीक है उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सिक्वेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज क्रिएटेड अक्रॉस द रेजिस्टर्स, क्रिएटेड अक्रॉस द रेजिस्टर्स। तो अगर ऐसा हो रहा है अगर आप जो लिख रहे हैं मान लो अगर ऐसा सच में हो रहा है उसको पॉजिटिव कर दीजिए अगर मानो वो नहीं हो रहा है तो नेगेटिव कर, कर दीजिए इससे बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जैसे कि मानो अगर मैंने ये चीज सोच ले कि मैं इसको आगे लेके जाती हूँ ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाती हूँ जस्ट एक मिनट ये देखिएगा मैंने सबसे पहले क्या सोचा ना मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं ना इसको अपना लूप मान के चलूंगी ये देखो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं इसको अपना लूप मान के चल रही हूं ये डुप्लीकेट किया था कि नहीं किया था एक मिनट हा बच्चों हॉली हॉली सुनना धीरे धीरे क्लियर होगा बहुत प्यारा टॉपिक है मानो मैंने सोचा कि भाई इस लूप को मैं कंसिडर करने वाली हूँ तो उस लूप को डायरेक्शन दो पहले लूप को डायरेक्शन दो आपकी मर्जी है कौन सी डायरेक्शन देना चाहते हो मैंने सोचा कि मैं इस लूप को ये वाली डायरेक्शन दे देती हूँ अब बस लिख दो जो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज है इट इज़ इक्वल टू एक्चुअली में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है सबसे पहले कॉज लिखो तो हमें इसी डायरेक्शन में चलना है तो देखो मैं इस डायरेक्शन में मानू मैंने अपना मोशन शुरू किया ये वाले पॉइंट से तो मैं यहां पर चली मैंने देखा कि हाँ यार ये जो मेरे पास एक बैटरी बीच में आई है और ये बैटरी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल क्रिएट कर रही है जिस डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रही हूँ आई कैन से जो मैंने लूप की डायरेक्शन डिसाइड की है ना मतलब उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है या फिर उस पोटे उस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ तो मैं सेल के साथ डील करूंगी तो अगर सेल इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रहे होंगे तो बच्चों उसको फिर मैं पॉजिटिव में लूंगी नहीं कर रहे होंगे तो उसके ई को नेगेटिव में लूंगी अभी सिर्फ सेल के साथ डील करना है द रीज़न बींग अभी मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की फिलिंग करना चाहती हूँ तो मैंने देखा बीच में एक सेल आया ये तो मेरी लूप के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रहा है तो ये आया पॉजिटिव ई वन क्योंकि मैं कॉज लिख रही हूँ तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सेल नहीं था यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सेल नहीं था फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक और सेल आया अब ये जो मेरा सेल है ई टू वो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रहा है तो मैं लिखी पोटेंशियल ड्रॉप रही हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप जितना क्रिएट हो रहा है उसका कॉज कितना है और जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हमारा हो चुका है वो रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना मुझे दिख रहा है ठीक है मतलब क्या तो एक सेल आ गया मेरे पास e1 एक सेल आ गया मेरे पास e2 दोनों पॉजिटिव में अब मुझे कॉन्सिक्वेंस लिखना है सो कॉन्सिक्वेंस बच्चों हमेशा रेजिस्टर से रिलेटेड होगा दोबारा से चलो अगर तुम किस डायरेक्शन में चलोगे लूप की डायरेक्शन में तो अब तुम देखने वाले हो कि तुम्हारे लूप की डायरेक्शन में कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है तो ड्रॉप क्रिएट हो रहा होगा पॉजिटिव में ले लेना नहीं हो रहा होगा नेगेटिव में ले लेना जैसे कि मैं यहाँ से चली कोई रजिस्टर नहीं आया कोई रजिस्टर नहीं आया अब मेरे पास आर वन का रजिस्टर आया यही मेरी लूप की डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो तुम देखो ना दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट ना जो इस रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दोटेंशियल ड्रॉप मेरे तो लूप की भी डायरेक्शन यही है मतलब मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में ड्रॉप आ रहा है तो ये जाएगा पॉजिटिव में अब बात ये है इसमें से करेंट कितना जाएगा तो तुम देखो ना यहाँ से आई वन करंट आया यहाँ से आई टू करंट आया तो ये करंट कितना बना आई वन प्लस आई टू तो इसमें से कितना करंट जा रहा है आई वन प्लस आई टू तो पहला कॉन्सिक्वेंस मेरा पॉजिटिव में गया कि हाँ भाई पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ है जब आई वन और आई टू का करंट आर वन के अक्रॉस फ्लो हुआ फिर मैं आगे चले अब यहां पर मैंने देखा एक और रजिस्टर आ रहा है और मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप है क्योंकि उसी डायरेक्शन में इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो वो पॉजिटिव में जाएगा तब तो की बात में देख पा रही हूँ कि i1 करंट फ्लो कर रहा है r3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने के लिए ये देखिए मैं चली हूं इस दिशा में पोटेंशियल ड्रॉप को पोटेंशियल uh, ड्रॉप जो आ रहा है उसके कॉज को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हुए और एक्चुअली मैं जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हुए यहां से मैं चली कॉज आया e1 का यहां पर i यहाँ पर आए पोटेंशियल ड्रॉप का कं कॉन्सिक्वेंस मैं देख पा रही हूँ आई वन प्लस आई टू आर वन के अक्रॉस फ्लो करके इतना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रहे हैं फिर आई वन आर थ्री के अक्रॉस फ्लो करके इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रहा है फिर इसी डायरेक्शन में इस बैटरी ने भी आ, क्या कर दिया इसी बैटरी ने ई एम एफ क्रिएट कर दिया ये मैंने पहली बार अप्लाई किया है स्ट्रेस नहीं लेना है अब हम दूसरी बार अप्लाई करेंगे ठीक है डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कौन से लेना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है अबकी बार मैंने क्या किया ये देखो आपकी बार और क्लियर होगा अब की बार मैंने ये अपना लूप ले लिया अब लूप को डायरेक्शन दो तुम्हारी मर्जी है कौन सी डायरेक्शन देना चाहते हो तो मेरी मर्जी थी तो मैंने ये डायरेक्शन दे दी मैंने ये डायरेक्शन दे दी दोबारा से यही चीज लिखना है पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है उसका कॉज कितना है और पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएटेड कितना है कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ है सो व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉज

तो हम लोग ऐसा करते हैं हमारा मोशन शुरू करते हैं मान लो मैंने अपने मोशन को यहां से शुरू किया ठीक है तो पहले आओ जी तो सबसे पहले कॉज को डिफाइन करते हुए मैं यहां से लेके यहां तक आई कोई सेल नहीं था अभी मैं सब सेल देखूंगी यहां से लेके यहां तक आई एक बैटरी आ रही है लेकिन बैटरी मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूं उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है मेरी सहमति में है तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव यहां से लेके यहां तक कोई बैटरी नहीं यहां से लेके यहां तक अब मैं देख पा रही हूँ एक और बैटरी आ रही है मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है मेरी सहमति में है एक बार जरा सा देखिए है ना अब मैं देखूंगी कि मैं जिस डायरेक्शन में चली हूँ एक्चुअली में उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ हुआ है तो यहां से लेके यहां तक कोई रजिस्टर नहीं है ना अब मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं अब यहाँ पर I1 का करंट R3 के अक्रॉस फ्लो किया इसी डायरेक्शन में मैं इसी डायरेक्शन में चल रही थी मतलब मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में ड्रॉप आ रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास आया I1 R3 के अक्रॉस फ्लो करके इतना ड्रॉप क्रिएट करते हुए अब मैं यहाँ पर आई अब यहाँ पर दिक्कत देखो क्या है मैं जा रही हूँ इस डायरेक्शन में रेजिस्टर आया लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस आई टू करंट है इस डायरेक्शन में तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी इस डायरेक्शन में आ रहा होगा ना लेकिन मैं तो इस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो जो मेरी सहमति में नहीं है वो नेगेटिव में जाएगा तो ये आ गया मेरे पास आई टू आर टू लेकिन नेगेटिव में यहां से लेके यहां तक कोई रेजिस्टर नहीं है तो ये बनी दूसरी इक्वेशन ये मैंने दूसरी दूसरी बार बार अप्लाई अप्लाई किया, किया। एक ही लॉ है दूसरी बार अप्लाई किया। अब आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हैं और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो ये वाली डायरेक्शन को मस्त पॉजिटिव लेने वाली हूँ मतलब मुझे इस डायरेक्शन में चलना है तो अगर मानो मैं बच्चों इस डायरेक्शन में चल रही हूँ गौर फरमाइएगा यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में चल रही हूँ इसका मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो इसका मतलब अगर कोई भी बैटरी आएगी जो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है तो उसके ईएमएफ को मुझे पॉजिटिव में लेना है अगर मेरे पास कोई भी ऐसी बैटरी आएगी जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल क्रिएट करना चाहती है उसको मुझे नेगेटिव में लेना है अगर मेरे पास कोई भी ऐसा रेजिस्टर आता है जिसमें इसी के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है मतलब इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को मुझे पॉजिटिव में लेना है क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में ड्रॉप है और मानो अगर मेरे पास एक ऐसा रेजिस्टर आता है कि मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो वाले पोटेंशियल ड्रॉप को मैंने नेगेटिव में लेना है ये बातें हैं और कॉम्प्लेक्स अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम सिर्फ इतना समझो तुम पोटेंशियल ड्रॉप को डिफाइन कर रहे हो चाहे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएटेड हो या फिर पोटेंशियल ड्रॉप जो क्रिएट होने वाला हो जब तक वो चीज़ हो रही है आप उसको पॉजिटिव में लीजिएगा अगर वो नहीं हो रही है तो आप उसके उसको नेगेटिव में लीजिएगा जैसे कि यहां पर आओ अब आपकी बार हम ऐसा करते हैं यहां से मूव करना शुरू करेंगे ठीक है दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पर क्रिएट होगा इट जो क्रिएट होगा ड्यू टू सेल्स इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस रेजिस्टर्स मम्मी ने तुम्हें जितने पैसे दिए इट इज तुमने कितने पैसे मम्मी से रिसीव किए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू दिल्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द रेजिस्टर्स across the resistors तो सबसे पहले हम लोग सेल के साथ डील करेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को भरेंगे यहां पर कोई सेल नहीं यहां पर कोई सेल नहीं अब यहां पर एक सेल आया लेकिन ये सेल बोल रहा है कि तुम जिस डायरेक्शन में चल रहे हो मैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करूंगा ऐसे कैसे कर दोगे भाई ये लो नेगेटिव नंबर दे दिए तुम्हें यहां से लेके यहां तक चले कोई सेल नहीं यहां से लेके यहां तक एक और सेल आया अब ये सेल बोल रहा है आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करूंगा बहुत बढ़िया बात मतलब मैं पोटेंशियल ड्रॉप को डिफाइन कर रही हूँ और वो सत्य है पॉजिटिव है ना नाउ दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप विच इज क्रिएटेड अक्रॉस द रेजिस्टर्स अब कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं कॉज कॉन्सिक्वेंस इक्वल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रियक्शन से लेके यहाँ तक R1 का आया अब आर वन और ये जो मेरे पास आर वन का रजिस्टर है इसके अक्रॉस इसी डायरेक्शन में I1 वन प्लस आई टू फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैं चल रही हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप इसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा तो मेरे पास आया आई वन प्लस आई टू आर वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हुए फिर मैं यहाँ पर आई कोई रजिस्टर नहीं यहाँ पर आई कोई रजिस्टर नहीं अब यहाँ पर आई तो एक और रेजिस्टर आया अब मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ इस रेजिस्टर के अक्रॉस उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो किया है तो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है सच को पॉजिटिव में लिखते हुए ये देखो ये देखो बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन है ना एक बार पहली बार अप्लाई किया दूसरी बार अप्लाई किया तीसरी बार अप्लाई किया खत्म अब हमें क्वेश्चन की हेल्प से समझना है इसकी हेल्प से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे फिर मैं अल्टीमेटली तुम्हें पीवाई क्यू दिखाऊंगी जो तुम्हें सबसे चिंगे पिंगे लगेंगे एंड देन वील बी डन विद द क्लास ठीक है जी आओ कुछ क्वेश्चन करें इसको थोड़ा सा और समझने के लिए जैसे कि ये देखो जैसे कि यहाँ पर ये देखना ठीक है अभी मैंने तुम्हें क्लोज्ड लूप करवाया है रुको ना मैं तुम्हें ओपन लूप भी करवाई देती हूँ अभी मैंने क्या किया ना सेकंड लॉ के लूप रूल को मैंने क्लोज्ड क्लोज्ड लूप लूप में अप्लाई किया ये देखना था मैंने यहाँ पर जो लूप कंसिडर किया इट वॉज अ क्लोज्ड लूप ठीक है ना ये वाले केस में भी मैंने क्लोज लूप कंसिडर किया ये वाले है ना यहाँ पर भी क्लोज्ड लूप था मेरे पास आई होपिंग कलर के इस्तेमाल से थोड़ा सा और क्लियर हुआ हो यहाँ पर भी क्लोज्ड लूप था यहाँ पर भी क्लोज्ड लूप था अब मैं ना बच्चों तो मैं ओपन लूप करवाती हूँ एक मिनट और फिर क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन और फिर क्लास खत्म हाँ जी अब क्लोज्ड अब ओपन लूप देखेगा बात वही है आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे आ रहा होगा तो पॉजिटिव में लिख देना नहीं आ रहा होगा तो नेगेटिव में लिख देना जैसे कि यहाँ पर देखो मानो मेरे पास इस तरीके से ये ई एम एफ ई वन है ठीक है ये मेरे पास रेजिस्टेंस रेजिस्टर आर वन है ये मेरे पास रेजिस्टर आर टू है एक मेरे पास ये बैटरी आ गई ई टू के ई एम एफ की ठीक है अच्छा अभी ये मेरे पास पॉइंट ए है ये मेरे पास पॉइंट बी है ठीक है बात वही है मैं पोटेंशियल ड्रॉप को डिफाइन करूंगी अभी तक क्लोज्ड लूप था तो क्लोज्ड लूप का मतलब क्या आप जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पे खत्म करोगे जैसे कि मैंने यहां से डिफाइन करना शुरू किया और फिर यहीं पे आके मैं खत्म कर रही हूं है ना मैंने यहां से डिफाइन करना आ, यहां से डिफाइन करना शुरू किया फिर यहीं पे आके मैं खत्म कर रही हूं तो अब की बार खत्म पहले कर देना कि अब की बार मैंने क्या करना है ना मैं ए से लेके बी तक जाऊंगी और पोटेंशियल ड्रॉप देखूंगी आ रहा होगा तो पॉजिटिव में लिखूंगी नहीं आ रहा होगा तो नेगेटिव में लिखूंगी सिर्फ इतनी सी बात है तो मैं अब की बार वी ए माइनस वी बी को डिफाइन कर रही हूँ ध्यान से देखो वॉट एम आई डिफाइनिंग आई एम नॉट डिफाइनिंग कि इन दिस लूप वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू सेल्स विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द रजिस्टर्स नो Now, what I am defining is when I move from A point to A point, what is the potential drop that I'm experiencing? So what is this? This is the potential. This is the potential drop. Experienced. Potential drop. Experienced when we move. When we move from point A to point B. Garferma yega from point A to point B. ठीक है अब आ रहा होगा तो बच्चों पॉजिटिव में लिख देना नहीं आ रहा होगा तो नेगेटिव में लिख देना इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूं ठीक है ना आ रहा होगा तो पॉजिटिव में नहीं आ रहा होगा तो नेगेटिव में चलो चलते हैं आएगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे नहीं आएगा तो बच्चों नेगेटिव में लिखेंगे ठीक है ना ये देखो तो मैं चली ठीक है पंछी बनी उड़ती फिरी और मैं चली यहाँ पर देखो पहले मैं यहाँ पर चली मेरे पास सेल आया तो सेल में जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक जाऊंगी तो भाई इसको ड्रॉप ही बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे गई उसको ड्रॉप ही बोला जाता है तो ये आ गया पॉजिटिव में ड्रॉप आएगा तो पॉजिटिव में लिखूंगी ड्रॉप नहीं आ रहा है तो नेगेटिव में लिखूंगी फिर मैं और आगे चली अब मैं जब बच्चों और आगे चली तो अब मैंने देखा यार यहाँ पर रजिस्टर आया अब रेजिस्टर मैं तो मूव कर रही हूँ ऐसे ड्रॉप को मेजर करने के लिए लेकिन आर वन रजिस्टर के अक्रॉस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मतलब आई वन आर वन का ड्रॉप इस डायरेक्शन में है मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ उस डायरेक्शन में नहीं है तो यहाँ पर पोटेंशियल का राइज है नेगेटिव में लिखो क्योंकि मैं तो ड्रॉप मेजर कर रही हूँ राइज आएगा तो मैं मैं नेगेटिव में लिख दूंगी तो यहाँ पर आया आई वन आर वन मैं आगे और चली दोबारा से मेरे पास एक रेजिस्टर आया मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ और इस आर टू के अक्रॉस आई टू करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो दोबारा से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ड्रॉप आया तो मैं ड्रॉप ही तो मेजर कर रही हूँ तो मैं ड्रॉप ही मेजर कर रही हूँ ड्रॉप ही आ रहा है चंगा यहाँ पर आया मेरे पास आई टू आर टू फिर मैं और आगे चली बैटरी आई अब की बार मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रही हूं इसको ड्रॉप नहीं बोला जाता इसको राइज बोला जाता है है ना तो यहां पर कितना आया ये इतना याद रखो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं वॉट आर वी डिफाइनिंग पोटेंशियल ड्रॉप अगर आ रहा है अगर आ रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं पॉजिटिव में लिखिए उसको अगर नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसको नेगेटिव में लिखिए यही चीज तुम्हें यहाँ पर क्लोज्ड लूप में भी बताई और यही मैं ओपन लूप में भी बता रही हूँ अब देखो लेट अस डू क्वेश्चंस है ना फॉर बेटर क्लैरिटी लेट अस डू सम क्वेश्चंस जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखना यहाँ पर बोला हुआ है क्वेश्चन बता देती हूँ पहले तुम्हें तो बच्चों ये मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टर है गौर फरमाइएगा ये मेरे पास इस तरीके से 5 वोल्ट की बैटरी है ये मेरे पास 2 वोल्ट की बैटरी है ये मेरे पास x ओम है और इसी के रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे निकालनी है गिवन देखो क्या है गिवन यहां पर यह है कि वी ए बी इज इक्वल टू फोर वोल्ट ठीक है यहां पर बोला हुआ वी ए बी इज इक्वल टू फोर वोल्ट मतलब वी ए माइनस वी बी इज फोर वोल्ट देखो है ना इसका मतलब अगर मैं ए से लेके बी तक जाऊं इसका मतलब क्या बच्चों इसका मतलब अगर मैं ए से लेके बी तक जाऊं तो यहां पर ड्रॉप आएगा उस ड्रॉप की वैल्यू चार वोल्ट हो गई है कि नहीं तो आई कैन इक्वल टू फोर इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू चलो यहां से लेके यहां तक ये यह देखो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक गए ड्रॉप ही होता है ये, तो ये गया मेरे पास क्या टू और फिर बाद में इसके अक्रॉस करंट नहीं पता तो ना मुझे ये नहीं पता पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा मैं बस बोल रही हूँ कि इसके अक्रॉस मान लो आई वन करंट फ्लो किया है एक्स रेजिस्टर के अक्रॉस तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप या फिर राइज जो भी होगा इतने मार्गनिट्यूड का आएगा है ना तो मैंने लिया बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच और बच्चों जब मैंने डायरेक्ट अप्रोच लिया तब मुझे पता लगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती अगर मुझे करंट की वैल्यू ना पता लगे है ना तो सबसे पहले तो मुझे करंट निकालना पड़ेगा वरना तो कोई फायदा ही नहीं है तो अब करंट भी कैसे निकालो डायरेक्शन वरेक्शन कुछ नहीं पता है तो मैंने अज्यूम किया अज्यूम खुद के मन से कि यहां पर जो करंट आ रहा है मान लो वो आई टू है यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो आई वन है मुझे नहीं पता एक्चुअली में मैंने जो डायरेक्शन ली है क्या उसी डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो मैंने रैंडम डायरेक्शन ले ली अब एक्चुअली में अगर मैं आई वन और आई टू की अब जब मैं खर्शअ लूप रूल को अप्लाई करके मैं वैल्यूज निकालूंगी अगर उनकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी मतलब मैंने सही डायरेक्शन ली है अगर वैल्यू ऑपोजिट में आएगी इसका मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव में आई मतलब जो मैंने वैल्यू ली है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दर्डर है अभी तक मुझे कुछ नहीं पता था तो मैंने इस तरीके से डिफाइन किया ठीक है अब देखो बच्चों मैं आई टू की वैल्यू निकाल सकती हूँ देखना एक बार मान लो अगर मैं इस दिशा में चलूँ लो अगर मैं इस दिशा में चलूँ तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू चार वोल्ट गिवन है तो पहले मेरे पास दस ओम आया देखो मैं ऐसे चली ऐसे चली दस ओम आया लेकिन दस ओम के अक्रॉस आई टू करेंट ऐसे जा रहा है तो ये आया नेगेटिव में विच इज नेगेटिव टेन टाइम्स ऑफ आई टू फिर मैं ऐसे चली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक इसको ड्रॉप ही बोला जाता है तो पॉजिटिव फाइव तो मैं यहाँ से आई टू की वैल्यू निकाल लेती हूँ देखो ना आई टू की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो फोर है मेरे पास फाइव माइनस टेन टाइम्स ऑफ आई टू तो मेरे पास आया टेन टाइम्स ऑफ आई टू इज की वैल्यू कितनी बने इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ये देखो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप गिवन था फोर वोल्ट तो मैंने आई टू की वैल्यू निकाल ली कुछ तो निकालूंगी ना आई वन की वैल्यू मुझे निकालनी है लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी मान लो अगर लूप रूल लगाती हूँ तो उसमें आई वन भी है आई टू भी है तो मैंने सोचा पहले मैं ऐसा करती हूँ आई टू निकाल लेती हूँ यहाँ से लेके कर यहाँ तक जाके तो यहाँ से लेके कर यहाँ तक ड्रॉप चार वोल्ट है मैंने जो डायरेक्शन ली हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप नहीं आ रहा है यहाँ पर ड्रॉप आ रहा है तो ये बना नेगेटिव टेन टाइम्स ऑफ आई टू पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को ड्रॉप बोला जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव फाइव अब मैं इसको जब मैं सॉल्व करने लगी तो मेरे पास आया टेन टाइम्स ऑफ आई टू इज़ इक्वल टू दिस आई टू की वैल्यू जीरो पॉइंट वन आंसर तो अभी नहीं आया है तो फिर बाद में अब मुझे इसको आगे और सॉल्व करना है लेकिन देखो बच्चों आई टू की वैल्यू पॉजिटिव में आई है है ना तुम लोग देख पा रहे हो ना क्योंकि आई टू की डायरेक्शन मैंने अज्यूम की थी तो आई टू की वैल्यू पॉजिटिव में आई है मतलब आई टू की जो डायरेक्शन है वो मैंने सही ली है आई टू की जो डायरेक्शन है वो मैंने क्या लिया सही लिया इसका मतलब ये है मैं तुम लोगों को बता रही हूं ठीक है तो अब इसकी डायरेक्शन मैंने सही ली है अब मैं क्या करूंगी अब मैं यहां पर पूरे के पूरे लूप को कंसिडर करूंगी एक मिनट हां जी अब देखिएगा अब मैं यहाँ पर पूरे के पूरे लूप को कंसिडर करूंगी तो मैं बताती हूँ कौन से है लूप ये ठीक है डायरेक्शन मेरी मर्जी है मैं कोई भी डायरेक्शन में चलूँ मैंने सोचा कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलूंगी तो अब मैं बोलूं कि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रही हूं तो देखो जब तुम पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा जैसे अभी मैं बहुत बारीकी के साथ समझा रही हूं तो टाइम लग रहा है अब तुम इसके ऊपर दस क्वेश्चन सॉल्व कर लो स्पीड बन जाएगी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ये तुम लोगों तुम लोग अभी अभी कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो आई कैन से देखो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट किया है सेल्स ने इस डायरेक्शन में इट विल बी इक्वल टू कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ है Across across the resistors. Across the resistors, resistors. Now I just simply need to define it. चल। यहां से यहां तक? नहीं भाई। दो वोल्ट की बैटरी देखो ना मेरे ऑपोजिट में आ गई ये आ गया नेगेटिव टू फिर यहां से लेके यहां तक चली नहीं यार मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूं लेकिन आईवन करेंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो यहां पर आ गया नेगेटिव आई वन एक्स तो मैं जिंदगी में कभी नहीं निकाल पाऊंगी आंसर है ना एक बार जरा सा देखिए और फिर बाद में यहां से लेके यहां तक चले इसी डायरेक्शन में पांच वोल्ट की बैटरी ड्रॉप क्रिएट कर रही है तो पॉजिटिव फाइव फिर यहाँ पर I2 इसी के अक्रॉस जा रहा है दस ओम के अक्रॉस जीरो पॉइंट वन एम्पेयर गया तो ये मेरे पास कितना आया टेन मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट वन तो ये मेरे पास इसको जरा सा सॉल्व करते हैं तो मेरे पास बना थ्री इज इक्वल टू मतलब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए है ना मेरे पास अभी यहां पर एक और इक्वेशन होनी चाहिए क्योंकि आई वन की वैल्यू नहीं गिवन है तो मैं अब की बार ऐसा करती हूं कैसे करूं मैं इसको रुको है ना हिट एंड ट्रायल भाई तो मैं अभी यहां पर देख पा रही हूं मेरा डायरेक्ट अप्रोच है मैं ये नहीं बोल रही हूं अप्रोच गलत है मैं बोल रही हूँ कि अभी जो हमारा अप्रोच था हम लोगों ने इक्वेशंस वगैरह लिखे अब इसके बेसिस पे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि देर इज वन मोर वेरिएबल विच इज कमिंग एंड आई नीड टू फिक्स इशू अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास तीन वेरिएबल्स थे आई वन आई टू एक्स तीनों वेरिएबल था एक की वैल्यू निकाल ली अब जब मैं दूसरे वेरिएबल को निकालने चली तो मैंने देखा समथिंग इज नॉट अनफ है ना तो बच्चों फिर बाद में मैंने ये सोचा आपकी बार मैं ऐसे करती हूँ यहां से लेके यहाँ तक ट्रैवल करती हूँ है ना यहां से लेके यहाँ तक ट्रैवल करती हूँ क्योंकि तुम सोचो अगर यहां से लेके यहां तक जाने में चार वोल्ट का ड्रॉप है तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ यहां से लेके यहाँ तक जाने में चार मैं ये भी तो बोल सकती हूँ यहां से लेके यहाँ तक जाने में भी चार वोल्ट का ड्रॉप आएगा देखो बच्चों यहाँ से लेके यहां तक जाने में भी फिर चार वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए ना क्योंकि अगर ये ए के पोटेंशियल पे है तो ये भी ए के पोटेंशियल पे है अगर ये बी के पोटेंशियल पे है तो ये भी बी के पोटेंशियल पे है तो मेरे पास आया वी ए माइनस वी बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट फोर वोल्ट अब ये पोटेंशियल ड्रॉप को डिफाइन करते हुए तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल इसको ड्रॉप बोला जाता है तो पॉजिटिव टू फिर बच्चों में यहाँ से लेके यहाँ तक चली इसको ड्रॉप नहीं बोला जाता इसको ड्रॉप नहीं बोला जाता मैं जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आई वन गया है एक्स के अक्रॉस सो नाउ आई बिलीव आई हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स आई स्टिल डोंट सो टू इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास क्या आया फोर इज इक्वल टू टू माइनस आई वन एक्स इज इक्वल टू टू माइनस आई वन एक्स आई वन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू देखो ना आई वन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और यहां पर भी आ रहा है आई वन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ये तो दोनों से सेम इक्वेशन आ गए सोचना अस थिंक मोर ये तो हम लोगों ने एक और तरीके से अप्रोच किया आंसर सेम ही आया लगा पोटेंशियल ड्रॉप फोर वोल्ट को ए और बी पॉइंट अज्यूम करके फोर जीरो लेके सॉल्व करें वही कर रहे हैं भरत बी ए माइनस बी बी फोर जब लिख रहे हैं हम वही कर रहे हैं वहीं से हमारा यहाँ पर आई टू आया था वहीं से फिर मेरे पास एक इक्वेशन आई थी लेकिन दूसरे वे से भी सेम इक्वेशन आ गई है ना जो लिखा हुआ है वो होगा दक्ष फोकस ऑन व्हाट कैन वी डू हियर। और क्या कर सकते हैं ये तो हम लोगों ने पहले भी कर दिया था फोर इज इक्वल टू टू पॉजिटिव नेगेटिव आई वन एक्स लेट मी थिंक ओके हिट इन ट्रायल से होगा सो आई है वैल्यू आई गेट वन मोर रिलेशनशिप बिटवीन आई वन एक्स वन मोर रिलेशनशिप मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आने आके दस वोल्ट का ड्रॉप है सॉरी ये मेरे पास चार वोल्ट का ड्रॉप है दो वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर हो गया मतलब दो वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा तो इसके अक्रॉस दो वोल्ट का ड्रॉप है मतलब आई वन की डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट लिया बट आई नीड द वैल्यू ऑफ एक्स वट डू आई डू यहां से लेके यहाँ तक आ गई मैं यहां से लेके यहाँ तक आ गई यहां से लेके यहां तक जाऊ जहां पर जो लेना था वहां पर वही लेंगे इट इज अबाउट कौन सा लूप कंसीडर करू मैं गलत कुछ नहीं लिखा हुआ है कौन सा एक और लूप लें क्योंकि आई टूक दी सेकेंड मेथड और उससे सेम इक्वेशन आ रही लेट मी थिंक फॉर टू मोर मिनट्स एंड देन इफ अगर नहीं होता तो हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे है ना मतलब आई इस डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक आके अगर मैं करूँ तो जीरो होगा प्लीज डोंट माइंड मैं बस देख रही हूँ जल्दी से ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो तो पहले माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस वन माइनस फाइव प्लस वन प्लस टू प्लस आई वन एक्स इज इक्वल टू जीरो देखना दोबारा से सेम इक्वेशन माइनस टू इज इक्वल टू आई वन एक्स आई वन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक और चीज तो दी होनी चाहिए बच्चों एक और चीज दी होती तो हमारा आंसर आ जाता है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं खिरशप लॉ को अब यहां पर अप्लाई करते हैं है ना वो क्वेश्चन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको और ज्यादा समय दें आई एम होपिंग मैंने तुम लोगों को जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हो, उसके बेसिस पे तुम्हें ये क्लियर हो कि हम लोग कैसे किशअप लॉ लगाते हैं ठीक है अब एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये देखो बच्चों, मैं तुम्हें बता देती हूँ दिस इज आई थ्री यही वाले करंट की वैल्यू मुझे निकालनी है ये आठ वोल्ट आ गया ये मेरे पास बारह वोल्ट आ गया या फिर पता है सुनो ऐसा कर कर सकते हैं हम लोग ऑलरेडी एक घंटे पचास मिनट की क्लास हो गई है मैं कल क्या करती हूँ ना कल एक प्रैक्टिस सेशन रखती हूँ खिरशफफ के ऊपर ही वॉट डू यू से बताओ कल एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं खिरशफ के सेकेंड लॉ के ऊपर करश ठीक है कल हम लोग खिरशफ्स के सेकेंड लॉ के ऊपर प्रैक्टिस सेशन रखते हैं है ना तो तीन क्लासेस को मैं चार क्लासेस में एक्सटेंड कर दूंगी वॉट डू यू से ऑलरेडी क्योंकि एक घंटा पचास मिनट हो चुके हैं सो so, कल प्रैक्टिस सेशन कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो एक तो कल प्रैक्टिस सेशन रखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर को परसों से परसों हम लोग शुरू करेंगे एक प्रैक्टिस सेशन और एक पी वाई क्यूज ठीक है जी ओके ये ज्यादा बेटर है है ना जी चल आई एम होपिंग मैंने बच्चों आज की क्लास में तुम लोगों को जितना भी समझाया हूँ तुम्हें क्लैरिटी आई हो खिरश लॉ कैसे लगाते हैं अब इन सारी चीजों को बिल्ड करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब बच्चे लाइक कर देंगे इस वीडियो को ठीक है एंड अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में छोड़ छोड़ जाना कुछ नहीं करना है हमारी क्लास नंबर फाइव थी तो तुम्हें हैश टैग क्लास फाइव लिख के जाना है ये बताने के लिए कि दी हम इस क्लास में थे मिलते हैं अभी तीन बजे कल खिरशफ के सेकंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहीं पे होगी क्लास इसी चैनल के ऊपर ठीक है